को तो बहुत ही खाया है यार। पापा ने मेरे को आवाज दी, मैंने देखा उसको बिल्कुल ही वो खून से लथपथ। मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हूँ अपने बगीचे में आया हुआ और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं अभी पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे मस्त बारिश में और अपने बगीचे से। सो गाइस, मैं एक्चुअली अपने कुत्ते को ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि वो कल कब गया था वो, शायद सुबह के टाइम चले गया था, वो आया नहीं और प्रूनो कब से लेके गायब है। एंड अभी जा रहा हूँ मैं प्रूनो को ढूंढने। हो बाय द वे, अगर आप लोगों को पता लग रहा होगा तो ये पीछे मेरे पीछे एप्पल की ट्री है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं पता है तो। बट अभी इसमें एप्पल नहीं है क्योंकि सारे एप्पल उतार दिए अभी। हो देख रहे हो भयंकर कितना गंदा सा रास्ता है। ये देखो गाइस, ये ना ये जो गाइस ये वाला खेत अपना है और ये वाला खेत भी अपना है। और पिछली बार जब बारिश ज़्यादा हुई थी, पिछले चार दिनों से बारिश गाइस बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश के कारण इधर भी बहुत लैंडस्लाइड हो रखी है। अभी तो इसमें घास लग रखी है, जब इसके बाद जब घास सारी सूख जाएगी उसके बाद दिखाऊंगा गाइस मैं आपको यहाँ का व्यू। यहाँ बिल्कुल लैंडस्लाइड हो गया था, बिल्कुल वो नीचे तक नाले तक लैंडस्लाइड हो रखी थी क्योंकि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फ्लो आ गया था पानी का। बट अपना खेत बचा हुआ है यार। पता क्या सीन है ना, घर वालों को कुत्ते वगैरह पसंद नहीं थे, मम्मी पापा को मतलब पसंद भी थे पर ऐसे घर में रखने के लिए कभी हाँ नहीं करते थे। पर जो मेरे बड़े वाला भाई है रॉनी, तो वो काफ़ी डॉग लवर है, काफ़ी पसंद है उसे कुत्ते मतलब। तो उसने एक कुत्ता लाया था, उसका नाम था, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे कुत्ते नहीं लाए थे गाइस, स्ट्रीट डॉग ही थे। उसका नाम रखा था हमने जैकी, काफ़ी छोटा था। अगर मेरे पास उसकी क्लिप होगी तो मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, अगर मेरे पास उसकी छोटे बार की क्लिप होगी तो मैं ऐड कर लूँगा। सॉरी क्योंकि कीचड़ इतनी है कि नीचे बार बार देखना पड़ रहा है, तो उसकी क्लिप मैं ऐड कर दूंगा छोटी बार की। वो जब लाया था उसके बाद उसको जब गाइस जब एक बार कुत्ते घर पे आ जाते हैं ना, उसके बाद जब आपके पेरेंट्स उनको देखते हैं, मतलब पर्सनली मैं बताऊँ तो जब मेरे मम्मी पापा ने कुत्तों को देखा उसके बाद इतना प्यार करते थे गाइस, हमारे से भी ज़्यादा, मतलब वो रात को उठते थे, उसको घुमाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं। उसके बाद एक बार जब घर पे कुत्ते आ जाते हैं तो उसके बाद एक अलग लेवल की अटैचमेंट हो जाती है, चाहे आप जितना ही नफरत करो पर एक टाइम हो जाता है गाइस, आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है, आप उनकी केयर करने लग जाते हो। क्योंकि केयर करें भी क्यों ना यार, इतने प्यारे से तो होते हैं। बट अभी तो वो गायब ही है, दो तीन दिन से वो ऐसे जाता भी नहीं, काफ़ी शरीफ सा कुत्ता है। जो जैकी है गाइस वो थोड़ा लड़ाकू कुत्ता था, बट वो काफ़ी, जो ब्रूनो था जो गायब हुआ है वो काफ़ी शरीफ कुत्ता था। लेट्स सी, देखते अगर मिलता है तो। पर अभी मैं जा रहा हूँ अपने पुराने घर पे दादू दादी से मिलने, साथ में उनसे पूछता हूँ कि उधर जैकी आया है, जैकी नहीं सॉरी ब्रूनो आया है कि नहीं आया, क्योंकि वो कब से लेके गायब है। मॉर्निंग गाइस, आज डेट है 28 सितंबर और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। एक तो बार आप देख ही सकते हो मैंने कितने गरम गरम कपड़े पहन लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड है बार। आप देख लो अभी बारिश हो रही है, बार हल्की हल्की हो रही है, फॉगी फॉग है चारों तरफ, देख सकते हो आप।
सो गाइज, कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं पूरे टाइम इसको ढूंढने में लग गया था एंड फिर उसके बाद बारिश हो गई थी, उसके बाद मैं वीडियो बनाने का भी मन नहीं करा। बट ये गाइज, ये घर आ गया था, मतलब जब मम्मा गाइज जब मम्मी ड्यूटी को जा रहे थे तब मम्मी को ये रास्ते पे मिल गया था, तो इसको बांध के फिर घर लाया गया। क्योंकि गाइज ये दो दिन से घर नहीं आया था और काफ़ी चिंता में पड़ गए थे सब घर वाले कि कहाँ गया ये। वैसे गाइज ये घर से बाहर नहीं जाता, मतलब कभी भी नहीं गया अभी तक, तो ज़्यादा टेंशन में आ गए थे सब। सो गाइज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या था। तो गाइज हमने पाले गाइज दो कुत्ते, तो एक कुत्ते का नाम हमने ब्रूनो रखा है और एक कुत्ते का नाम हमने जैकी रखा है। और अरे भाई साहब, इतना सब कुछ मैंने अभी बोला और बाद में पता चला कि वीडियो बीच में ही पॉज हो गई थी। तो गाइस मैं बोल रहा था कि जैकी जब रात को 12 बजे बाहर गया था, उस टाइम तो वो अच्छा खासा था। जब वो रात के टाइम बाहर को गया था, मुझे लगा था कि नॉर्मली वो ऐसे जाता रहता बाहर को कि आ जाएगा, बट वो उस वक्त आया नहीं। सुबह जब उसको सबसे पहले शायद पापा ने उसे देखा आते हुए, जब पापा ने उसे देखा तो बिल्कुल शॉक हो गए थे। जब पापा ने मेरे को आवाज़ दी, मैंने देखा उसको बिल्कुल ही वो खून से लथपथ, ऐसा विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल खून ही खून लगे थे। एक कट उसको यहाँ लगा था, एक कट इधर लगा था, बाकी पीछे उसको बहुत ज़्यादा खाया हुआ था। पहले तो हमें लगा कि ये कुत्तों ने खाया है, उसके बाद पता नहीं पर ऐसा फील हो रहा था कि उसको देख के कि कुत्तों ने नहीं खाया है, शायद इसको या तो बाघ ने अटैक करा है या फिर भालू भुल्लू ने अटैक करा है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी गाइस, वो बच गया, घर आया। बट जब वो सुबह आया ना गाइस, सबके होश उठे हुए थे बहुत ज़्यादा। मतलब जब आप किसी को इतनी केयर से रखते हैं और आप देखते हैं कि वो खून से लथपथ हुआ है तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ और ऊपर से ब्रूनो भी गायब हो रखा था और जैकी के ऐसे हाल थे। वैसे गई ये दो कुत्ते गए इस घर पे, मेरे जो बड़े भाई है उसने लाए थे। उसे जब पता लगा और बता कि मैं घर आ रहा हूँ, मैं कल घर आ रहा हूँ, फिर उसे समझाया कि सब ठीक है, अभी जैकी की हालत भी थोड़ी नॉर्मल है और ब्रूनो तो घर आ ही गया है। और पिछले 7-8 दिन से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा क्योंकि गाइस मौसम देख लो आप मेरे पीछे, ये देखो मैं वीडियो भी बनाता तो बनाता कैसे 7-8 दिन से, बस इधर ही यहाँ से शॉप से घर, मतलब कोई बाहर का वो नहीं। चलो फाइनली एंड में सब ठीक हो गया, जैकी भी अब ठीक है, हम दोनों भी आ गया है। तो इस व्लॉग को मैं भी ख़त्म कर लेता हूँ। यार देख लो आप हैंकर कितने गरम गरम कपड़े पहन रखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है अब, ऐसा फील हो रहा है जैसे दिसंबर और जनवरी चल पड़ा है गाइस, बट अभी सितंबर ही है और बारिश इतनी ज़्यादा होगी ना पिछले 7-8 दिनों में, सब काम बंद पड़े है, मशीन का काम गाइस, सेब का काम बंद पड़ रखा है बिल्कुल भी, 10-12 दिन का काम है वो भी बंद पड़ रखा है। देखते हैं मौसम खुल जाए, सूर्य देवता प्लीज़ पुकार सुन लो, प्लीज़ अब मौसम साफ हो जाए यार, बहुत हो गया है, क्या व्यू आ रहा है ना। सो गाइज आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ऐसे, मतलब मैंने सोचा था जिस वे से वैसे वाला व्लॉग तो नहीं बना, बट जैसा भी आप ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चलो ठीक है, बाय।